चलिए रेडॉक्स रिएक्शन में अगला टॉपिक सीखेंगे, जहां पे हम बात करेंगे भाई रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है, ये कितने टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कोई भी टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, चल बेटा सबसे पहला है तेरा एडिशन और यू कैन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे इंडिकेट कर सकते हो भाई? कॉम्बिनेशन का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़ के एक सिंगल चीज बना दे, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन, है ना। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़े और एक सिंगल चीज़ बना दे, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन। अब ये कॉम्बिनेशन प्रोसेस रेडॉक्स तभी हो सकता है जब जुड़ने वाले में से एटलीस्ट एक जो है ना वो एलिमेंट फॉर्म में हो। जुड़ने वाले में से एटलीस्ट एक, दोनों तो भी चलेगा, एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पे आपका फॉर रेडॉक्स रिएक्शन एटलीस्ट वन मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट For this to be redox reaction, ठीक है। चलो जैसे कि आप सिंपल एग्जाम्पल ले सकते हो बच्चों, कार्बन प्लस ओ टू इट विल गिव यू सी ओ टू, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं ना, तो यहाँ पर कार्बन जीरो स्टेट में है बिकॉज फ्री है, ऑक्सीजन भी फ्री है तो जीरो स्टेट में यहाँ पर जुड़ गया। जुड़ते ही ऑक्सीजन हो जाता है माइनस टू, दो ऑक्सीजन मिला के माइनस चार, कार्बन होगा प्लस चार। तो आप देखो भाई सिंपल ही, अगर आपको दिख रहा हो तो कार्बन जीरो में से चार स्टेट में आ गया, मतलब कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन, नंबर बढ़ा ना, और ऑक्सीजन जीरो में से माइनस टू में आ गया, नंबर घट गया, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है, मतलब ये आपका रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए उसी तरह से इफ़ यू टॉक अबाउट द कंबशन प्रोसेस, राइट। जितना भी कंबशन प्रोसेस है ना वो सारा का सारा रेडॉक्स होता है, क्योंकि कंबशन में अल्टीमेटली ऑक्सीजन यूज होता है जो एलिमेंटल फॉर्म में होता है, राइट। और ये ऑक्सीजन अब डेफिनेटली यहाँ पे जाके एडअप होने वाला है एंड इट विल गिव यू टू प्रोडक्ट CO2 प्लस H2O। ओके, दिस इज द कंबशन प्रोसेस, जहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन एलिमेंटल स्टेट में है, तो हमारा कंडीशन है रेडॉक्स होने के लिए। तो यहाँ पे आपका कार्बन के स्टेट में होगा माइनस फोर, हाइड्रोजन होगा प्लस वन। अभी आपको इतना आना चाहिए, हाँ मैं कैसे नंबर लिख रहा हूँ हर बार नहीं बताऊँगा, नहीं तो तैयारी खत्म कब होगा। ऑक्सीजन इज इन जीरो स्टेट, फ्री स्टेट, ऑक्सीजन जुड़ गया माइनस टू कार्बन प्लस फोर, ऑक्सीजन जुड़ गया माइनस टू हाइड्रोजन प्लस वन, जस्टिफाई करो रेडॉक्स है ये। चलो तो कार्बन का माइनस फोर से सीधा प्लस फोर हो गया, हाँ हाँ हाँ, कितना बड़ा प्रमोशन कार्बन को। तो ऑक्सीडेशन, बेचारा ऑक्सीजन जीरो में था, जीरो में से माइनस टू हो गया रिडक्शन। अब यहाँ पे भी एरो मार सकते हो, माइनस टू तो यहाँ भी हुआ, दैट इज ओके। अभी आगे जाके हम सीखेंगे कि एरो कहाँ कैसे मारना है वो, अभी आप किसी भी एक के ऊपर एरो करो चलेगा। तो ये भी कैसा प्रोसेस है आपका भाई, रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। तो नॉर्मली कॉम्बिनेशन प्रोसेस रेडॉक्स होते हैं, बट एटलीस्ट जुड़ने वाले में से एक जो है ना वो एलिमेंट के फॉर्म में होना जरूरी है, तो ये कंडीशन खास ध्यान रखना, कोई भी एक एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए। चलो दूसरा है डीकम्पोजिशन, का होता है लल्ला डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन का मतलब है कि इफ यू हैव सम रिएजेंट ए, कुछ रिएजेंट है टूट गया एंड इट इज गिविंग मोर देन वन प्रोडक्ट। अब ये रिएक्शन भी रेडॉक्स तभी हो सकता है जब टूट के जो प्रोडक्ट बना उसमें से एटलीस्ट एक एलिमेंट के फॉर्म में होना चाहिए, तो ही भाई साहब ये रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में होगा। ओके, तो यहाँ पे भी एटलीस्ट वन शुड बी इन एलिमेंटल स्टेट, एटलीस्ट वन शुड बी इन एलिमेंटल स्टेट फॉर इट टू बी रेडॉक्स, फॉर इट टू बी रेडॉक्स एटलीस्ट एक आपका एलिमेंटल स्टेट में यहाँ भी रहना चाहिए। बता दूँ एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, मैं बुक में से ही लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल वैसे भी दिए हैं बुक में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चलो, दैट इज़
2H2O पानी को ही तोड़ डालते हैं, विल गिव यू 2H2NO2। ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं बाद में, KClO3 विल गिव यू KClNO2। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं सही लिख रहा हूँ। चलो यहाँ पे जुड़े हुए फॉर्म में है तो ऑक्सीजन -2 होगा, हाइड्रोजन +1 होगा। बेचारे दोनों अलग हो गए, फ्री हो गए तो जीरो स्टेट में आ जाते हैं। हाइड्रोजन का डिमोलेशन हो गया है बिकॉज +1 से जीरो आ गया तो उसका हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 में से जीरो स्टेट में चला गया तो ऑक्सीजन का हो गया बच्चा ऑक्सीडेशन। क्या हो गया ऑक्सीजन का? ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, कितना सिंपल है, मतलब ये रेडॉक्स है। नेक्स्ट देखो, और यहाँ पे चेक करो टूट के जो बना दोनों एलिमेंट के फॉर्म में निकला है बाहर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, KClO3 पोटेशियम +1, ऑक्सीजन -2, तो क्लोरीन यहाँ पे +5 स्टेट में होगा। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपने रेडॉक्स रिएक्शन के आगे के लेक्चर्स अच्छे से समझे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ऐसे ऐसे चुटकी में आ जाएगा। यहाँ पे K+1 और कोई नहीं है तो क्लोरीन -1 होगा यहाँ पे। ऑक्सीजन बेचारा फ्री हो गया तो ज़ीरो। चलो जस्टिफाई करते हैं, रेडॉक्स है तो क्लोरीन 5 में से -1 हो गया, क्लोरीन घट गया तो क्लोरीन का हो गया रिडक्शन। ऑक्सीजन -2 में से ज़ीरो आ गया, बड़ा -2 था वो ज़ीरो हो गया, बड़ा ना मतलब इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन भी है, ऑक्सीडेशन भी है, तो रेडॉक्स तो है ही ये रिएक्शन। और यहाँ पे भी देखो एक आपको एलिमेंट के फॉर्म में मिला है, देखो ये ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है। अभी सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होते, बराबर? देखो कैसे, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स, ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स। जैसे कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट है, आपने उसको तोड़ा तो ये बनेगा CaO+CO2। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिला ना उसमें से कोई एलिमेंट नहीं है, ये भी कंपाउंड है जुड़ा हुआ, ये भी कंपाउंड है, ये रेडॉक्स नहीं है। यू कैन प्रूव इट इजीली, कैल्शियम इज इन +2 स्टेट, ऑक्सीजन इज इन -2 स्टेट। कार्बन आप कैलकुलेट करना आराम से बैठ के धीरे धीरे तो आपको पता चलेगा कार्बन +4 में है, आराम से करना कैलकुलेट। यहाँ पे कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2, जहाँ भी जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन -2 कार्बन +4 होगा। बताओ किसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है भाई? है कैल्शियम +2 था +2 है, कार्बन +4 था +4 है, ऑक्सीजन -2 था -2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर ही चेंज नहीं हुआ है। तो ना यहाँ पे किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, ना यहाँ पे किसी का रिडक्शन हुआ है, मतलब ये रिएक्शन रेडॉक्स है ही नहीं, दिस इज़ नॉट रेडॉक्स रिएक्शन, राइट? तो सारे के सारे डिकम्पोजिशन रेडॉक्स हो गए ज़रूरी नहीं है। कंडीशन याद रखना कि टूट के जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें एटलीस्ट एक तो एलिमेंट के स्टेट में होना जरूरी मांगता है, समझा वीडियो? एक एलिमेंट के फॉर्म में मांगता है तेरे को, अगर नहीं है, अगर दोनों कंबाइंड फॉर्म में है, प्रोडक्ट जितने मिले अगर सारे कंबाइंड फॉर्म में है तो रेडॉक्स होने के चांसेस कम है, हो सकता है रेडॉक्स बट देर आर लेस चांसेस। यू हैव टू आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर, यू विल इजीली एबल टू नो वेदर इट इज रेडॉक्स और नॉट, समझे? आगे बढ़ते हैं, तीसरा रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, बराबर? समझ आई आपको? डिस्प्लेसमेंट आप 10th में सीखे हो, आप खाली मेटल डिस्प्लेसमेंट सीखे थे, यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करनी है हमें। चलो देखते हैं व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट। चलिए तीसरा रिएक्शन आ जाइए बच्चा, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर दो सब कैटेगरी होती है, एक होगा मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर हम करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिर बाद में करेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो अब नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट का मेन लॉजिक है कि सपोज यहाँ पे कोई एक्स एंड वाई है, दोनों जुड़े हुए हैं, राइट? तीसरा कोई आ गया बीच में जेड, और ये जेड ने क्या किया, एक्स को हटा दिया और खुद उसकी जगह पे आ गया, तो खुद ये जेड वाई बन गया और एक्स को भगा दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। चलिए पहले देखते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ एक्टिविटी सीरीज, कल ही हमने सिखा था ये, ठीक है ना? चलो तो हमें इतना पता है भाई कि
मोर एक्टिव मेटल, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, लेस एक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। याद करो, लेके बांसुरी को ना मुझे एल मियाँ जी फेको सीडी को नहीं सुना पर आ गाए हम चप्पा चप्पा, ये मैंने आपको पीछे सीरीज सिखाया था। ओके, उसमें हमें पता है कौन से मेटल ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, कौन से मेटल कम एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो अगर आप सिंपल सी बात करो बच्चों, अगर आपके पास जिंक है उसको आपने कॉपर सॉल्यूशन में डाल दिया, मुझे पता है जिंक ज़्यादा एक्टिव है, दिस जिंक इज मोर एक्टिव। कैसे मोर एक्टिव? मोर एक्टिव का मतलब है जिंक हैज़ मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा एक्टिव है। मेटल का काम है इलेक्ट्रॉन देने का, जिंक एक्टिव है मतलब जिंक जो है ना वो इलेक्ट्रॉन फटाफट देता है, राइट? जो इलेक्ट्रॉन देता है, सुनना, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, राइट, तो दूसरे को इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, क्या करेगा, दूसरे का रिडक्शन करेगा, मतलब उसको क्या कहेंगे हम, रिड्यूसिंग एजेंट। जो दूसरे का रिडक्शन करेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जिंक ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव का मतलब है इट हैज़ मोर टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, मोर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल एकदम। तो यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन तो आपको पता ही है, जिंक जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ और कॉपर को बेचारे को अकेला कर देगा। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, यहाँ पे जिंक जीरो स्टेट में था बिकॉज फ्री था, सल्फेट होता है -2, आपको पता होगा SO4 -2 होता है, तो कॉपर इज +2। यहाँ पे जिंक सल्फेट के साथ जुड़ गया तो जिंक हो गया +2, कॉपर बेचारा अकेला हो गया जीरो स्टेट में। हुआ क्या, जिंक जो है वो Zn0 में से +2 बना, क्या क्या लिखे, कहाँ कहाँ लिखे, तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ बिकॉज उसका नंबर बढ़ा, बराबर है, क्या हुआ, इसका नंबर बढ़ा। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉपर को देखोगे तो बेचारे का नंबर कम हो गया है, कॉपर का नंबर क्या हुआ है भाई, कम हो गया है, तो कॉपर का क्या हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन हुआ है, क्या हुआ है भाई, कॉपर का रिडक्शन हुआ है, और आपका जो जिंक है जिंक का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे, जिंक इज ऑक्सीडाइज देन कॉपर इज रिड्यूस, मतलब ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है, राइट। तो जो भी ज़्यादा एक्टिव मेटल होंगे वो क्या करेंगे, कम एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, राइट। तो इतना ध्यान रखना, जिन दो मेटल के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, तो जो मेटल पहले फ्री स्टेट में है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, जो मेटल पहले फ्री स्टेट में है वो मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए, उसको दूसरे का रिडक्शन करना है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने हैं और उसको फ्री करना है, चल निकल, समझा। यहाँ पे जुड़ा हुआ है +2 चार्ज है, जिंक ज़्यादा एक्टिव है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, चल निकल तेरे दो इलेक्ट्रॉन लेके, वटक पहली फुर्सत में है, निकल। तो इस कॉपर को पहली फुर्सत में निकालेगा और खुद जुड़ जाएगा इसके साथ ZnSO4 के साथ, राइट। तो इतना ध्यान रखना यहाँ पे कि डिस्प्लेसिंग मेटल मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट करने वाला है शुड बी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ज़्यादा पैसे वाला होना चाहिए, कैपेबल ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन। चलो ये हो गया आपका मेटल डिस्प्लेसमेंट, ये तो खाली एक ही एग्जांपल दिया है, इसमें मैं लिख दूंगा द क्वेश्चन कैन बी ऑन द बेस्ड ऑफ क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी सीरीज कैन बी आस्क्ड हियर। ओके, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज के बेस्ड, ध्यान रखना इतनी बात को, ठीक है। चलो फटाफट इसको एक स्क्रीनशॉट करो, इसके बाद नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ लेट्स सी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत रेयर होता है, राइट। और अभी जो आगे आपने किया ना, मेटालिक डिस्प्लेसमेंट दैट कैन बी यूज फॉर इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ द लेस एक्टिव मेटल विद द हेल्प ऑफ मोर एक्टिव मेटल, मतलब जो लेस एक्टिव मेटल होगा ना उसके सॉल्ट में से आप मेटल को एक्सट्रैक्ट करा सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे आ जाइए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड, इसमें हम पहले सीखेंगे हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट। हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट, अब कुछ इतने जल्लाद है ना, इतने ज़्यादा एक्टिव है, जो ठंडे पानी में से भी हाइड्रोजन को भगा देंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, जैसे कि सोडियम पोटाशियम, राइट, दे आर हाईली रिएक्टिव मैटर, जो ठंडे पानी के साथ भी केमिकल रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन को निकाल देंगे और खुद ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, राइट। सो दैट इज सोडियम रिएक्ट कराओ पानी के साथ, बेचारा हाइड्रोजन को भगा देगा, सोडियम खुद बना लेगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड दिस विल बी एलिमिनेटेड एज हाइड्रोजन, राइट। सिमिलरली दिस रिएक्शन कैन ऑल्सो बी डन बाई कैल्शियम, राइट, पानी में डालो, विल गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस इट विल इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। और ये दोनों इतने रिएक्टिव मेटल है ना भाई, ये वाले मेटल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर, दे कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द कोल्ड वाटर एज दे आर हाईली रिएक्टिव। इसमें और भी आप जोड़ सकते हो स्ट्रॉन्शियम बैरियम। चलो लेट्स जस्टिफाई, दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन, चैप्टर रेडॉक्स चल रहा है ना, टेंथ में भी सिखाता है, तो नया क्या है, नया ये है कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे रेडॉक्स, तो यहाँ पे बाइसैप फ्री है, यहाँ पे कंबाइन स्टेट है -2, हाइड्रोजन इज +1, यहाँ पे कंबाइन स्टेट में आ गया तो सोडियम +1 होता है, ऑक्सीजन -2 होगा, हाइड्रोजन +1 होगा, और ये हाइड्रोजन फ्री हो गया, मतलब ये है 0। चलो लेट्स सी, आई कैन सी सोडियम 0 में से +1 हुआ, सोडियम का नंबर बढ़ा ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन 1 में से 0 हुआ रिडक्शन, मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें भी आप करोगे तो ये भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन ही होने वाला है, जहाँ पे आपका सोडियम, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीडाइज होगा एंड हाइड्रोजन इज गोइंग टू रिड्यूस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों वाटर में से हाइड्रोजन को भगा रहे हैं, राइट, बट ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव है कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करेंगे। अब कुछ और मेटल थोड़े कम रिएक्टिव है, जिनको स्टीम चाहिए डिस्प्लेसमेंट के लिए, गर्म पानी चाहिए उनको, स्टीम चाहिए, राइट, जैसे कि लेस एक्टिव मेटल मैग्नीशियम एंड आयरन। मैग्नीशियम पानी से रिएक्ट कराओ, आयरन पानी से रिएक्ट कराओ। आई जस्ट राइट द रिएक्शन, मैं अभी कोई बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्जाम में आए तो बैलेंसिंग खुद करना है, 10th standard chapter number 1 सीखा है आपने, ओके चलो। तो मैग्नीशियम पानी से रिएक्ट करेगा, विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, राइट, एंड इट विल ऑल्सो इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, भगा दिया हाइड्रोजन को बाहर, ओके, एंड Fe रिएक्ट करके बनाएगा आयरन ऑक्साइड, भगाएगा ये भी वाटर को, H को बाहर। तो ये दोनों जो है वो मैग्नीशियम एंड आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन। लेट्स जस्टिफाई, दोनों में से एक जस्टिफाई करते हैं, रेडॉक्स ऐसे वाला तो आप मैंने किया है, हाइड्रोक्साइड वाला, तो रेडॉक्स में ऊपर वाला, इसको रेडॉक्स जस्टिफाई करते हैं ना, आयरन फ्री है, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, कंबाइन हो गया ना, ऑक्सीजन -2 सॉल्व करना, Fe +3 आएगा आपका, हाइड्रोजन हुआ फ्री, जीरो स्टेट, देखो Fe 0 से +3 हो गया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन 1 में से 0 हुआ, ले मुन्ना रिडक्शन, क्या हो गया बाबा, रिडक्शन, राइट। चले तो ये तो पानी में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस किया, अब कुछ मेटल ऐसा है जो पानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पानी ठंडा हो गर्म हो स्टीम हो, वो पानी में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करेंगे, बट दे विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। ये तो वैसे भी मेटल का टिपिकल रिएक्शन है भाई, मेटल रिएक्ट विथ एसिड टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो कुछ मेटल ऐसा है जो एसिड में से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं, राइट। चलिए so we can write here the metals evolve hydrogen gas from acid, that's a common reaction, okay। तो आप जो चाहे एग्जाम्पल ले सकते हो, चलो जिंक मेटल लेके लिखते हैं रिएक्शन, जिंक प्लस HCl इज विल फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीडेशन नंबर फ्री स्टेट आप -1, हाइड्रोजन +1 कंबाइन हुआ, क्लोरीन -1 होता है, जिंक +2 बनेगा,
फ्री स्टेट ज़ीरो, फ्री स्टेट इट इज ज़ीरो, राइट। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, आप देख सकते हो ये ज़ीरो में से प्लस टू हुआ ऑक्सीडेशन, ये वन में से ज़ीरो हुआ रिडक्शन, दोनों हो रहा है मतलब ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, राइट। ओके, अब एक चीज़ यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है कि टीन एंड लेड, ये दोनों है टीन एंड कैडमियम, ये दोनों ऐसे हैं जो पानी के साथ बिल्कुल रिएक्शन नहीं करेंगे बट एसिड में से हाइड्रोजन इवॉल्व करेंगे। आई विल स्पेसिफाई दिस पॉइंट, टीन एंड कैडमियम ओनली इवॉल्व हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड नॉट फ्रॉम स्टीम ऑल्सो। कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो आपको कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग ऑल द पॉइंट्स इन माय नोट्स, राइट। ओके चलिए, अब ये सारे जो मेथड है ना, दिस मेथड्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द वाटर और फ्रॉम द एसिड इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आपको पता है एसिड में मेटल डालेंगे, हाइड्रोजन इवॉल्व करेगा, तो दैट इज़ द बेसिक मेथड ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ हाइड्रोजन, दैट पॉइंट इज मेंशनड ओवर हियर, राइट। चलिए, नाउ हियर द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल इज रिफ्लेक्टेड इन द रेट ऑफ गैस इवोल्यूशन। सिंपल बात है, जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसे कि सोडियम डालो पानी में, पता है ना क्या होता है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि जो हाइड्रोजन इवॉल्व होगा ना वो तुरंत आग पकड़ लेता है, पता है ना, सोडियम को पानी में डालोगे तो आग लगती है, बिकॉज इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि भाई साहब जो हाइड्रोजन निकलेगा ना उसके जला के आग लगा देंगे। जिंक की बात करो, जिंक धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा, बबल आपको दिखेंगे आराम से बाहर आते हुए। आयरन डालो, उससे भी धीरे रिएक्शन होगा, बिकॉज आयरन उससे भी कम रिएक्टिव है, राइट। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो ज़्यादा फटाफट हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, ठीक है। चलो व्हाट अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर बिल्कुल भी एसिड के साथ रिएक्ट करते ही नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर दैट मच कॉस्टली। गोल्ड एंड सिल्वर इवन कैन नॉट रिएक्ट, गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल एज प्लैटिनम, दे कैन नॉट इवन रिएक्ट विथ एसिड। ये लोग एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते, दे कैन नॉट इवन रिएक्ट विथ एसिड, राइट। चलिए, अब ये हो गया आपका बच्चों मेटल एक्टिविटीज, अभी अपने कर रहे हैं, हाँ नॉन मेटल एक्टिविटी सीरीज कर रहे हैं, वी आर डिस्प्लेसिंग द नॉन मेटल, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया। अब एक ऐसा है भाई जो ऑक्सीजन को भी डिस्प्लेस कर सकता है पानी में से, और वो काम कर सकता है फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करेगा, पानी में से ऑक्सीजन को भगा देगा, राइट, बिकॉज फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई नहीं है, राइट। तो मैं देखो रिएक्शन लिख रहा हूँ वो, के दैट्स एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखना, फ्लोरीन F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच डिस्प्लेस ऑक्सीजन गैस फ्रॉम वाटर। ओके, तो मुझे पता है भाई फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, फ्लोरीन किसी के भी पास से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखो आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, अगर ये फ्लोरीन गैस के फॉर्म में है, अभी भाई साहब फ्री है, ये वाटर है, और हमें पता है वाटर में ऑक्सीजन जो है ना वो -2 स्टेट में होता है, ये अभी फ्री स्टेट में है, बराबर है। अब ये फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, एजेंट है ना, दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का रिडक्शन करेगा, रिडक्शन का मतलब है खुद इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। फ्लोरीन को तो चाहिए ही होता है इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो तो चाहिए उसको तो एक इलेक्ट्रॉन के, मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे मैं अपना न्यूट्रल हो जाता हूँ, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता हूँ। तो ये बेचारे ऑक्सीजन के पास से जो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा है ना, ऑक्सीजन के पास से जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये फ्लोरीन क्या करेगा, ले चल रहा तो इलेक्ट्रॉन फट, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ऑक्सीजन तो बेचारा न्यूट्रल हो जाएगा, तो ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द गैस, और ये फ्लोरीन जो नेगेटिव बनेगा वो एच के साथ हाथ मिला के HF बना लेगा, ऑक्सीजन को धोखा दे दिया, टुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, है ना। ओके, तो क्या हुआ यहाँ पे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे ना तो ऑक्सीजन फ्री हो गया, दैट इज़ जीरो स्टेट,
और फ्लोरीन आ गया माइनस वन स्टेट में. तो यू कैन सी फ्लोरीन जीरो में से माइनस वन हुआ, तो फ्लोरीन का रिडक्शन हुआ, घटाना नंबर. और ऑक्सीजन माइनस टू से जीरो हुआ, तो ऑक्सीजन हो गया आपका ऑक्सीडेशन. ये काम फ्लोरीन के सिवाय किसी और की औकात नहीं है भाई, समझ लो. फ्लोरीन के सिवाय किसी और की औकात नहीं है कि ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर पाए, बिकॉज ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, बट फ्लोरीन उसका पप्पा है, राइट. ओके, तो फ्लोरीन पानी में से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता है, राइट. तो इसी तरह से अगर आप खाली हैलोजन का सीरीज देखो कि कौन ज़्यादा एक्टिव है कौन कम एक्टिव है, तो मेटल को क्या करना होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ना होता है. जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं. नॉन मेटल का काम उल्टा है भाई, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना होता है. तो जो इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव. जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन ने इजीली इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव हो गया यहाँ पे, सिंपल सी बात है. ओके, चलो तो फिर अपने कंपैरिजन करते हैं फ्लोरीन क्लोरीन और ब्रोमीन का. आई होप इट इज़ कंप्लीटेड. टेक अप अ स्क्रीनशॉट इफ इट इज़ रिमेनिंग ऑन द काउंट ऑफ 3, 2 and 1. लेट्स सी. चलो, तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन. तो अगर आप बात करोगे ना फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन का, फिर एक इसमें टेस्ट भी आ रहा है, लेयर टेस्ट. बताता हूँ क्या है वो लेयर टेस्ट. छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है कभी कभी एग्जाम में, जाना हुआ काम का है भाई. सो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिपेंड्स ऑन एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. सो इफ यू कंपेयर फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. क्यों? बिकॉज फ्लोरीन हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. फ्लोरीन हैज अ मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. खुद एक्सेप्ट करना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है मतलब खुद का रिडक्शन करना है. इलेक्ट्रॉन लेना मतलब रिडक्शन करना, खुद का रिडक्शन करना है तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करना है. तो फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि सर कहना क्या चाहते हैं. ओके, सो इफ यू एड फ्लोरीन इनटू द सॉल्यूशन ऑफ KCl क्या होगा? तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन यहाँ पे माइनस वन स्टेट में है. फ्लोरीन अकेला है अभी, तो जीरो स्टेट में है. फ्लोरीन देखेगा कि ये क्लोरीन के पास नेगेटिव चार्ज है, और हमें पता है फ्लोरीन सबका बाप है. फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले ही लेता है, ऑक्सीजन के पास से ले लिया तो क्लोरीन को थोड़ी छोड़ेगा. ऑक्सीजन के पास से फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन को छोड़ेगा, वो क्या करेगा, क्लोरीन के पास से इलेक्ट्रॉन ले लेगा. अगर क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन ले लिया गया तो फिर क्लोरीन कंबाइन कैसे होगा, क्लोरीन फ्री हो जाएगा और खुद फ्लोरीन KF बना लेगा. फ्लोरीन कंबाइन हो गया, फ्लोरीन खुद माइनस वन स्टेट में आ गया, क्लोरीन को भगा दिया जीरो स्टेट में. समझ आया आपको क्या हुआ वो, राइट. ओके, सिमिलरली अगर आपके पास क्लोरीन है, समझो मेरी बात को, बराबर है. एंड इफ यू ऐड क्लोरीन इनटू द सॉल्यूशन ऑफ NaF, चलो देखते हैं रिएक्शन होगा कि नहीं होगा. अभी क्लोरीन भाई साहब फ्री स्टेट में है, और यहाँ पे फ्लोरीन है जो कंबाइन स्टेट में है, मतलब फ्लोरीन माइनस वन है. फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है बिकॉज वो माइनस वन है. अब क्लोरीन चाहता है फ्लोरीन के पास से इलेक्ट्रॉन लिया जाए, बट फ्लोरीन देता है इलेक्ट्रॉन, चल जाए फुट. फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, शक्य ही नहीं है फ्लोरीन किसी को इलेक्ट्रॉन दे. मतलब फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन कोई बाप नहीं करा सकता, बिकॉज फ्लोरीन खुद ही स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. फ्लोरीन को तो दूसरे को ऑक्सीडेशन करना है, खुद को रिड्यूस ही करना है. फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज दुनिया में कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज. तो यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं, बिकॉज क्लोरीन तो कम रिएक्टिव है, राइट. एंड आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट.
ओके, तो आई होप कि आपको ये सीरीज समझ में आ गया। अब एक टेस्ट है छोटा सा, जिसे हम कहते हैं लेयर टेस्ट। क्या है लेयर टेस्ट, लेट अस सी। तो लेयर टेस्ट बेसिकली यूज होता है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन आयन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। दिस इज टू आइडेंटिफाई ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन। कैसे? सिर्फ यू सी द रिएक्टिविटी सीरीज, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, उसके बाद आयोडीन आएगा, बराबर है। तो हमने देखा कि फ्लोरीन जो है ना, वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबको रिप्लेस करके भगा सकता है। क्लोरीन जो है वो खाली ब्रोमीन और आयोडीन को भगा सकता है, फ्लोरीन के साथ कुछ नहीं कर सकता है। इसी तरह ब्रोमीन जो है वो आयोडीन को उसके सॉल्ट में से फ्री कर सकता है, इन दोनों के साथ कुछ नहीं करेगा, और आयोडीन किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, राइट। तो अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर ब्रोमीन या आयोडीन आयन के फॉर्म में है, जैसे कि मान लो Br KBr के फॉर्म में है, या फिर आपके पास Ki है, आपको थोड़ी पता होगा कि ब्रोमीन है कि आयोडीन है, तो आपको डिटेक्ट करना है के सॉल्ट के अंदर क्या ब्रोमीन आयोडीन है। तो आप पहले क्या करोगे, इसका एक्वियस सॉल्यूशन बनाओगे, बनाया राइट। और इस एक्वियस सॉल्यूशन में से आप क्लोरीन गैस पास करोगे, क्या पास करोगे, इसमें से आप क्लोरीन गैस पास करोगे, बराबर। किस फॉर्म में? गैसियस फॉर्म में पास करो। हमें पता है कि क्लोरीन जो है ना वो ब्रोमीन आयोडीन दोनों से ज़्यादा रिएक्टिव है। क्लोरीन जो है वो ब्रोमीन आयोडीन दोनों को लात मार के भगा देगा, चल निकल, बराबर। तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, माइनस वन स्टेट में है, क्लोरीन फ्री है। यहाँ पे भी आयोडीन जुड़ा हुआ है, क्लोरीन फ्री है। कलर है तो यूज़ करते हैं ना कलर, चलो पढ़ो, लेट्स यूज़ द कलर, इंटरेस्टिंग, अच्छा दिखना चाहिए भाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। सो आई नो क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्लोरीन क्या करेगा, ये ब्रोमीन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, उसको ले लेगा, चल दिया तो भाई, इलेक्ट्रॉन दे दिया, खुद बन जाएगा वो KCl एक्वियस बन जाएगा। यहाँ पे भी क्लोरीन जो है वो आई का इलेक्ट्रॉन ले लेगा और KCl बन जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन फ्री करेगा, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, हाँ, ब्रोमीन इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, याद रखना। और आयोडीन जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और ये जो ब्रोमीन और आयोडीन फ्री हुआ ना, उसका एक पर्टिकुलर कलर होता है। ब्रोमीन जो है ना वो आपका एक व्हाट यू कैन से कत्थाई कलर जो कहते हैं ना, ब्राउन कलर। तो ब्रोमीन का जो वाटर है ना वो ब्राउनिश होगा कलर में। तो जो पहले आपका क्लियर सॉल्यूशन होगा ना, जैसे ही आप क्लोरीन गैस पास कराओगे ना, तो वो सॉल्यूशन ब्राउन होता जाएगा। तो समझ लो कि सॉल्ट के अंदर ब्रोमीन आयन होगा, क्योंकि तभी ये रिएक्शन हुआ है और ब्रोमीन आयन में से ब्रोमीन फ्री हुआ है और उसकी वजह से आपको कलर मिला है। और अगर वो सॉल्यूशन वायलेट कलर का हो गया ना, तो समझ लो आयोडीन होगा, बिकॉज आयोडीन का जो सॉलिड सॉल्यूशन है ना वो वायलेट कलर का होता है। ये कैसा होता है कलर में? वायलेट होता है। और ये कैसा होता है कलर में? ब्राउन होता है, बराबर। तो आप इस कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि भाई जो आपका ओरिजिनल सॉल्ट था उसके अंदर ब्रोमीन या आयोडीन है कि नहीं है, राइट। तो ये हमने पूरा डिस्कशन किया अबाउट द नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। पहले हाइड्रोजन डिस्प्लेस कराया, फिर एक लौटा रिएक्शन देखा जहाँ पे ऑक्सीजन डिस्प्लेस हो रहा था जो काम कर रहा था फ्लोरीन, और फिर नॉन मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। ध्यान रखना है, नॉन मेटल जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है आसानी से तो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बराबर। तो फ्लोरीन सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन लेता है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन किसी भी आयन के पास से इलेक्ट्रॉन लेके उसको फ्री कर सकता है, और फ्लोरीन को कोई फ्री नहीं कर सकता है, बराबर है। समझ में आ गया आपको इतना जो लॉजिक मैंने पूरा सिखाया वो। चलो तो ये तीन टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन हुए, कॉम्बिनेशन, उसके बाद आपका वो हुआ टूटने वाला रिएक्शन डिकम्पोजिशन, फिर हुआ ये आपका डिस्प्लेसमेंट, जिसमें दो पार्ट आए, मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। आखिरी बचा है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या है डिसप्रोपोर्शनेशन? तो इतने सारे एग्जाम्पल में आपने देखा कि एक स्पीसीज का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है। एक का ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे का रिडक्शन होता है कि नहीं? बट देर आर सम रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर एक ही आयन का ऑक्सीडेशन भी होता है, उसी का ही रिडक्शन भी होता है, उसे कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं उसको? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। चलिए लेट मी इंट्रोड्यूस द रिएक्शन।